आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जय श्री कृष्णा माँ जी। माँ सपना नहीं है। दामाद जी आइए ना, आप आइए। नहीं नहीं रुकिए रुकिए। अरे भावेश आरती की थाली ला, लड्डू ला। अरे माँ जी आपका बेटा घर आया, उसे आरती नहीं आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। कैसा है निहार? बढ़िया। और भावेश भाई सब ठीक ठाक? बद्दू मजा। माँ आइए ना, आइए जी बैठिए। आओ अनुपम, आओ बैठो। अरे अनु ठीक है? आइए ना भावेश भाई, बैठिए बैठिए। माँ जी क्या पियेंगे आप, चाय बनाऊं या ठंडा मंगाओ? अरे माँ जी किसी चीज की जरूरत नहीं है, अनुपमा ने घर से निकलने से पहले बहुत सारा खाना खिला दिया, और आपको मालूम है ये खाना इतना अच्छा बनाती है कि आदमी जरूरत से ज्यादा खा ही लेता है। बधाई हो माँ जी, आपके बड़े नाती पारितोष की सगाई तय हो गई है। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। किंजल भाभी के साथ? हाँ। ये कान्हा जी तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब अनुपमा की हिम्मत और समझदारी का नतीजा है माँ जी, अगर इसने कोशिश नहीं की होती तो ये रिश्ता तय होना मुश्किल था। आप लोग सगाई के लिए तैयार रहिएगा, समर गाड़ी लेके आएगा आप लोगों को पिकअप करने के लिए, बस आप लोग रेडी रहिएगा। अरे माँ जी ये तो खुशी की बात है, आप रो रही हैं? इन बूढ़ी आंखों में बहुत साल बाद खुशी के आंसू आए हैं ना, इन्हें ऐसे ही बहने दे बेटा। माँ मैं हाँ हाँ बिल्कुल जीजा जी बैठिए ना। और भावेश भाई सब बढ़िया? बद्दू बजा। माँ दामाद जी बिल्कुल बदल गए। मैं कहती थी ना माँ कि मुझसे प्यार तो बहुत करते, बस जताते नहीं है। वो घर की जिम्मेदारियां और फिर काम की वजह से ये बहुत परेशान रहते थे, अब टेंशन थोड़ा कम हुआ तो प्यार दिखने लगा। ये सब कान्हा जी की कृपा है। घर पे मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, बट यू अंडरस्टैंड ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, सो प्लीज डोंट माइंड एंड आई लव यू। माँ एक बात पूछो। पूछने? मेरी शादी के वक्त तूने अपनी जमीन बेच दी थी और अपने सारे गहने मुझे दे दिए थे, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। तो क्या हो गया? बच्चों की खुशी से ज्यादा माँ बाप के लिए और कुछ होता है क्या? और वैसे भी वो गहने और जमीन मेरे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए तुझे और भावेश दोनों में बांट दिया। मैं अगर वो गहने तोड़वा लूं तो? क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं माँ कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने सोने के गहने के बदले मेरे तोसु और किंजल की खुशियां खरीदना चाहती हूँ। तूने तो अपनी बहू को अभी से ही अपनी बेटी मान लिया। तू माँ तो अच्छी है, अच्छी सास भी बनेगी, और वैसे भी
वो गहने तो तेरा स्त्री धन है बेटा, उस वक्त जो मुझे ठीक लगा था वो मैंने किया, आज जो तुझे ठीक लगेगा वो तू कर। मैं देख आती हूँ, बाकी बात बिल्कुल ठीक है, घर की चीज घर में ही रहे तो कोई बुराई नहीं है, इससे इनकी इज्जत भी रह जाएगी और बच्चों की खुशी भी। राखी बहन, मुझे आपके सुनार का एड्रेस भेज दीजिए प्लीज, मैं आज ही जाके किंजल के लिए वो अंगूठी ले आऊंगी। What the hell? इस देहातन के पास 5 लाख रुपए कहां से आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता, मैं इस देहातन को इस बार जीतने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।